दोस्तों आज की इस वीडियो में आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। नंबर वन, अगर आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो घर बैठे क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं। नंबर वन, नेम करेक्शन कर सकते हैं, एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं एंड DOB डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो कैसे आप करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक, एड्रेस या फिर न्यू मोबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं, ईमेल आईडी कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए आपको नियर बाई जो CSC सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर, आपको विजिट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन, आपको डिटेल दिखाने वाला हूं। और आपको स्लॉट बुकिंग करना है, डेट चूज करना है, उस डेट पर आप जाएंगे और CSC सेंटर विजिट करने के बाद आपको जो भी करेक्शन कराना है, फोटो चेंज कराना है, बायोमेट्रिक चेंज कराना है, एड्रेस, नेम, मोबाइल नंबर ऐड कराना है, ईमेल आईडी ऐड कराना है, सब कुछ आप कर सकते हैं CSC सेंटर पर जाके। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ऑनलाइन घर बैठे कैसे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एम आधार एप्लीकेशन की मदद से या फिर गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करके आपके फोन से या फिर कंप्यूटर से। तो मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर दिखाऊंगा क्योंकि बड़ा स्क्रीन पर आपको समझने में आसानी होगा। सो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपकी कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए एंड सर्च करना है आधार अपॉइंटमेंट। एंड सर्च करने के बाद आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने आ जाएगा, appointments.uidai.gov.in। इस साइट को हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं बुक एन अपॉइंटमेंट, दिस फैसिलिटी इज फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट एट एन आधार सेवा केंद्र फॉर आधार सर्विसेज लिस्टेड बिलो। जैसे कि फ्रेश आधार एनरोलमेंट यानी कि न्यू आधार अगर आपको बनवाना है, नेम अपडेट, एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ अपडेट, जेंडर अपडेट एंड बायोमेट्रिक, यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट एट UIDAI रन आधार सेवा केंद्र, यहाँ पे सिलेक्ट सिटी और लोकेशन करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट सिटी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं मेरा जो भी सिटी है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके हिसाब से जो भी सिटी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पे करना है प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, और प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ पे अपडेट आधार, न्यू आधार एंड मैनेज अपॉइंटमेंट। अगर आपने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट करके रखा तो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यानी कि कैंसिल कर सकते हैं, फिर डेट को रिशेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू आधार के लिए सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे हम अपडेट करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे आधार अपडेट सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ है मोबाइल नंबर, अगर आपके मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिंक है तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग नंबर है यहाँ पे डाल देंगे। अगर न्यू मोबाइल नंबर ऐड करना है तो न्यू मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे नीचे की तरफ कैप्चा फिल करके करना है जेनरेट OTP। और जेनरेट OTP करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा यानी कि वन टाइम पासवर्ड, यहाँ पे डाल के करना है वेरीफाई OTP। अगर 1 से 2 मिनट के अंदर OTP रिसीव नहीं होता है तो आपको करना है रिसेंट OTP। ओके दोस्तों, मुझे OTP रिसीव हो चुका है 331626 और ये जो OTP है 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगा, 10 मिनट के बाद OTP काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे OTP डालने के बाद करना है वेरीफाई OTP, और यहाँ पे वेरीफाई OTP करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे 4 स्टेप है टोटल, अपॉइंटमेंट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, टाइम स्लॉट डिटेल्स एंड अपॉइंटमेंट डिटेल्स। यहाँ पे अपॉइंटमेंट डिटेल्स में है रेसिडेंट टाइप, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया NRI, अपॉइंटमेंट टाइप अपडेट, आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर डालना है। नीचे की तरफ है नेम ऑन आधार, आधार के ऊपर जो नेम है यहाँ पे डालना है। यहाँ पे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट एंड HOF। अगर आपके पास POI, POA, DOB नहीं है यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस या फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं है तो आप सेकंड वाला चूज करेंगे HOF, अगर है तो आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है स्टेट, तो आपका जो भी स्टेट है आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे महाराष्ट्र मेरा स्टेट है, सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद है सिटी, यहाँ पे सिटी मुंबई नागपुर है, यहाँ पे मुंबई, आपका जो भी सिटी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है आधार सेवा केंद्र, यहाँ पे आधार सेवा केंद्र ASK मुंबई, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आधार नंबर और यहाँ पे आधार पर जो भी नेम है डालने के बाद कर देता हूँ नेक्स्ट। सो यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करने के बाद करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आप देख सकते हैं सिलेक्ट फील्ड्स टू बी अपडेट, नेम, जेंडर, न्यू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक,
और यहाँ पे एप्लीकेबल फी है अभी 0। अगर आप चाहते हैं बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए तो बायोमेट्रिक सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे 100 रुपीज इसका फी है। इसके बाद दिखा देता हूँ न्यू मोबाइल नंबर के लिए, न्यू मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं एप्लीकेबल फी 50 रुपीज। अगर आप चाहते हैं न्यू मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए तो आपको सिलेक्ट करना है न्यू मोबाइल नंबर और यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाई देगा, आपने जो OTP जनरेट किया था जिस मोबाइल नंबर देके। अगर आप चाहते हैं मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन है, एडिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के सेंड OTP करने के बाद OTP रिसीव होगा और OTP वेरीफाई करके यहाँ पे मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जेंडर चेंज करने के लिए तो आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, अगर आप चाहते हैं नेम चेंज करने के लिए तो आपको नेम सिलेक्ट करना है, अगर आप चाहते हैं ईमेल आईडी ऐड करने के लिए तो यहाँ पे ईमेल आईडी टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के आपको करना है नेक्स्ट। तो कुछ इस तरीके से डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप दे सकते हैं और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे DOB के ऊपर टिक लगाना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। अगर आप चाहते हैं एड्रेस चेंज करने के लिए तो यहाँ पे एड्रेस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पिन नंबर, विलेज, टाउन, सिटी सिलेक्ट करना है, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे केयर ऑफ और नीचे की तरफ है हाउस और बिल्डिंग, यहाँ पे स्ट्रीट है तो स्ट्रीट डाल दीजिए। सो चलिए इसके बाद आपको दिखा देता हूँ थर्ड स्टेप, टाइम स्लॉट डिटेल्स। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ, एड्रेस को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल नंबर सिर्फ ऐड करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क लगाने के बाद करना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, यहाँ पे अप्रैल 2021 अगर आप चाहते हैं मे मंथ में करने के लिए तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मे 2021 आपके सामने आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप कैलेंडर जो मंथ है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रैल में आप देख सकते हैं आज 3 तारीख है, सैटरडे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मंडे, यहाँ पे 5 तारीख, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लॉट खाली है। तो यहाँ पे अवेलेबल स्लॉट जो है व्हाइट दिखाएगा और रेड मतलब स्लॉट बुकिंग है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 3 तारीख, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तारीख जो रेड है, रेड मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग है और यहाँ पे व्हाइट मतलब यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं, स्लॉट खाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन 3 तारीख सैटरडे अप्रैल 2021 और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिखाएगा टाइम, यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 12:20 से लेके 12:40 तक यहाँ पे एड्रेस है, डिटेल एड्रेस, इस एड्रेस पर जाके आपको विजिट करना होगा और आपका जो भी अपॉइंटमेंट डिटेल्स है आपको शो करने के बाद आपका जो भी करेक्शन कराना है करेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 13:50 से लेके 14:10 एंड यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट डिटेल्स, यहाँ पे एप्लीकेशन रिव्यू है, यहाँ पे जैसे कि अपॉइंटमेंट डिटेल्स, यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप, आधार सेवा केंद्र का नाम रहेगा, वेरिफिकेशन टाइप, टाइम स्लॉट एंड एप्लीकेशन डेट, नीचे की तरफ पर्सनल डिटेल्स में नेम ऑन आधार यानी कि आपका नेम रहेगा एंड नीचे की तरफ है न्यू मोबाइल नंबर, आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस मोबाइल लेके आपको जाना पड़ेगा CSC सेंटर में यानी कि आधार सेवा केंद्र में। यहाँ पे फाइनली करता हूँ सबमिट और सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पॉपअप आएगा, आर यू श्योर, प्लीज एनश्योर ऑल द फील्ड इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट, वन सबमिटेड इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी एडिटेड, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू। यहाँ पे फाइनली ओके करने के बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर देता हूँ ओके और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज मेक पेमेंट टू कंप्लीट द अपॉइंटमेंट, यहाँ पे कर देता हूँ ओके एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑनलाइन, 50 रुपीज आपको पेमेंट करना है टोटल। यहाँ पे आपको टाइम दिखाएगा अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको सिलेक्ट करना है पेमेंट गेटवे, पे यू एंड यहाँ पे करना है मेक पेमेंट। और यहाँ पे मेक पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक PDF जनरेट होगा और इस PDF को प्रिंट आउट करके आपके आधार सेवा केंद्र में जाना है और विद इन 30 मिनट के अंदर आपका सब कुछ करेक्शन हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आधार करेक्शन करने के लिए घर बैठे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों आपने देख लिया आधार कार्ड के साथ न्यू मोबाइल नंबर ऐड करना है या फिर ईमेल आईडी ऐड करना है, फोटो चेंज करना है या फिर बायोमेट्रिक अपडेट करना है, कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।